अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में हो रहे कामों से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एबीवीपी जिला संयोजक सचिन लगवाल ने कहा कि ऊना में संपन्न हुए प्रांत अधिवेशन में आगामी दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके तहत 2 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। सचिन लगवाल ने कहा कि प्रदेश की नौणी विश्वविद्यालय में कुलपति ने अपने चहेतों को नौकरियां बांटी हैं, जो कि गलत है। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास जल्द किया जाए ताकि छात्रों की समस्या का समाधान हो सके। वहीं लगवाल ने बताया कि एबीवीपी के द्वारा फरवरी माह में आंदोलन किए जाएंगे, जिसमें 2 फरवरी के अलावा 6 फरवरी को सभी जिला केंद्रों पर स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन होगा तो 8 फरवरी को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगवाल ने बताया कि एबीवीपी पूरे प्रदेश में 10 से 25 फरवरी तक युवा मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसमें मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के दौरान पर्चा वितरण करे साथ साथ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमन सकलानी, छात्रा प्रमुख नदौन कॉलेज दीक्षा शर्मा भी मौजूद रही। जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें नौणी विश्वविद्यालय में जो एकदम से भारी फीस वृद्धि हुई है उसके लिए करी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काफ़ी समय से इस मांग को उठाती रही है कि नौणी विश्वविद्यालय में पिछले 1-2 सालों में ही भारी फीस वृद्धि वहाँ पे हुई है। हजारों के हिसाब से वहाँ पे फीस वृद्धि हुई है और आम स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ता है उसको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ वहाँ पे पढ़ने में आ रही हैं। हम देखते हैं जो कभी फीस 40,000 रुपये ली जाती थी, आज वो 75 से 80,000 रुपये के बीच बीच में फीस ली जा रही है। इतनी ज़्यादा भारी फीस वृद्धि के कारण अभिभावक बहुत परेशान हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन स्टूडेंट्स की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाएगा और इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पे की है। और अनेक अन्य मुद्दे शिक्षा के जगत में आज हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा नियामक आयोग का जो हमारे नियामक आयोग में जो जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो फीस है उनको कंट्रोल करने के लिए एक आयोग बना, रेगुलेटरी कमीशन नियामक आयोग। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। SC ST स्कॉलरशिप के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला आज हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि उस घोटाले की जांच होनी चाहिए जो CBI को सौंपी गई, लेकिन आज उसकी रिपोर्ट वहां पे नहीं आई है। विद्यार्थी परिषद की मांग है CBI उस जल्दी से जल्दी वहां पे इन्वेस्टिगेशन करे और आम छात्रों को बताए कि उसका वो पैसा वो कहां पे गबन हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बहुत बड़ी मांग इसके अलावा छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए प्रदर्शन करती आई है। आज हम देखते हैं कि बाकी राज्यों में वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ता है वो अपना छात्र नेता खुद चुनता है और वो छात्र नेता उन स्टूडेंट की समस्याएं जाके प्रशासन के समक्ष उठाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के छात्र के पास आज इतने अधिकार नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश का छात्र जो है वो अपनी समस्याएं नहीं उठा सकता क्योंकि वो अपना स्टूडेंट लीडर नहीं चुन सकता, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आगामी आंदोलनात्मक रणनीति ये रहेगी कि हम कल SDM और DC के माध्यम से एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपने जा रहे हैं। 6 फरवरी को हम जिला केंद्रों पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और ये जो भी मैंने आपको विषय बताए उसी के ऊपर ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसके अलावा 8 फरवरी को इकाई स्तर पर प्रत्येक इकाई में धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद की तरफ से किया जाएगा और अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये प्रदर्शन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अब भारत देश जो है वो एक बहुत बड़ा जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व होता है, लोकसभा चुनाव उसका साक्षी बनने जा रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय एक युवा मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके तहत स्थान स्थान पर नुक्कड़ नाटक, अनेक संगोष्ठियाँ, विद्यार्थियों को भाषण अनेक स्थान पर इस तरह से हम करवाएंगे ताकि विद्यार्थियों को हम 100% मतदान करने के लिए उनको उनसे आवेदन करें और उनको मतलब एक संदेश दें कि आप जाइए और मतदान करिए।